हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आप सभी को उम्मीद थी कि 30 नवंबर 2018 यानी 30 नवंबर 2018 को जो UFBU और IBA के बीच में वेज रिवीजन को लेके मीटिंग होने वाली थी, उसमें जरूर कुछ एक इम्पॉर्टेंट एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज तो आई है, लेकिन बहुत ही कम पॉजिटिव है, बल्कि मैं कहूंगा कि मीटिंग के बाद में नेगेटिव न्यूज ज्यादा आई है। दोस्तों, आपको IBA का नवंबर 19, 2018 का सर्कुलर पता होगा कि 30 नवंबर 2018 को सुबह 10:30 बजे मुंबई में मीटिंग होने वाली थी। सभी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इनवाइट किया गया था। वर्कर्स फेडरेशन और ऑफिसर्स के दोनों के अलग अलग यूनियन एसोसिएशन आए थे। मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग स्टार्ट होती IBA ने अपना ऑफर, जो पहले 6% पे अटका हुआ पड़ा था, उसको बढ़ाकर 8% किया। मीटिंग स्टार्ट होते ही एक पॉजिटिव न्यूज आई, लगा कि शायद कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन उसी के बाद AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने मीटिंग को वहीं बॉयकॉट किया, क्योंकि अबव स्केल 3 यानी स्केल 4 एंड अबव जो मैंडेट आना था, वो मैंडेट अभी तक नहीं आया है। ऑफिसर एसोसिएशन को ये बात बुरी लगी और उन्होंने मीटिंग को उसी वक्त बॉयकॉट किया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, कई बैंक मैनेजमेंट ने IBA को जो मैंडेट दिया है वो सिर्फ अप टू स्केल 3 दिया है, यानी सिर्फ बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर अप टू स्केल 3 ही वेज रिवीजन डिसाइड होगा। स्केल 4 एंड अबव का वेज रिवीजन मैनेजमेंट खुद करेगा, जो कि ऑफिसर्स एसोसिएशंस को बिल्कुल भी गवारा नहीं गया। और कई बार IBA को कहने के बाद बावजूद भी, जब स्केल 4 एंड अबव का मैंडेट नहीं मिला इस बार भी, तो IBOC ने वहीं पे मीटिंग बॉयकॉट किया और मीटिंग कैंसिल कर दी। दोस्तों, उसी के बाद मीटिंग एडजर्न हो गई, यानी एक तरह से स्थगित कर दी गई, और नेक्स्ट वेज रिवीजन की मीटिंग पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ये जानकारी जनरल सेक्रेटरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के द्वारा आई गई है। साथ ही ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जो फेसबुक पेज पर है, उन्होंने भी मीटिंग का अपडेट दिया कि IBA ने अपना ऑफर 8% किया, लेकिन वो ऑफर एसोसिएशन को काफी कम लगा और इसको इंप्रूव करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि फुल मैंडेट की हम डिमांड करते हैं, तो हमें जल्द से जल्द फुल मैंडेट दी जाए। लेकिन दोस्तों, आज अलग बात यह है कि UFBU IBA की मीटिंग के बाद में जो UFBU की मीटिंग हुई, उसमें UFBU ने 26 दिसंबर 2018 को स्ट्राइक पे जाने का फैसला लिया है, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो रहा है, वो उसको अपोज कर सके। फ्रेंड्स, इस मीटिंग से साफ लगता है कि इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी प्रिपरेशन होती तो इस तरह से ऑफिसर्स एसोसिएशन मीटिंग बॉयकॉट नहीं करते। दूसरी बात, ये जाते हैं वेज रिवीजन की मीटिंग करने और अपनी मीटिंग के अंदर डिसीजन लेके आते हैं एक दिन के स्ट्राइक का, ताकि मर्जर जैसे मुद्दों के ऊपर स्ट्राइक की जाए। यहाँ वेज रिवीजन के बारे में अब कोई बात नहीं है, और इलेक्शन से पहले अब मुझे भी नहीं लगता है कि कोई ऑफिसर एसोसिएशन या वर्कर्स एसोसिएशन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और एक अच्छी स्ट्राइक का कॉल लेगा, क्योंकि दिसंबर तक तो ये स्ट्राइक कॉल ले रहे हैं मर्जर का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जैसे इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद इन्हें कोई भी भाव देने वाला नहीं है, बैंक यूनियन को कोई भाव देगा नहीं, और ये इलेक्शन तक ये मुद्दा, वेजेस रिवीजन का मुद्दा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल दैनिक पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।